बाहर क्या देख रहे हो जी? आज की रात बहुत काली है, बहुत बड़ा तूफान आया है। हाँ राणो, तूफान आया है, बहुत बड़ा तूफान। इतना बड़ा कि वो बाहर से घर के अंदर आ गया, दिखाई नहीं दे रहा लेकिन सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ऐसी ही रात थी जब तनुजा पहली बार इस घर में आई थी। कुछ अपना सा लगा था, एक सेकंड में उसने मुझे गिरने से बचा लिया। और जानती है क्या कहा? अंकल जी। मैंने कहा नहीं अंकल जी, नहीं बाऊजी, बाऊजी। मेरे दोस्त वीरू की बेटी भी शुरू शुरू में मुझे अंकल जी कह के बुलाती थी। मैंने कहा बाऊजी, बाऊजी कह के बुला। मुझे तो दोनों में कोई फर्क नजर नहीं आया, लेकिन राणो ये इतना बड़ा फर्क कैसे, क्यों? रोजी आप इतना दुखी मत। दुख तो हुआ है रो, पर मुझे उतना ही दुख है जितना दुख 20 साल पहले हुआ था जब मैंने तनु के पार्थिव शरीर को देखा था। हाँ वो वक्त आज भी ठहर गया है हम सबकी जिंदगियों में। तनु इस दुनिया से जाकर भी नहीं गई और देखो कि तनुजा तनु बनकर आ गई। गलती हमारी है, हम जो इस पानी की बातों में आ गए, हमने उसको समझा ही नहीं, उसको उसके खत को सच मान लिया। कुछ लोग होते हैं जिनकी नीयत ही बदल जाती है, पर नीयत नहीं बदलती। नहीं उसके इमोशंस में बह गए, बस बस एक गलती हो गई हमसे, जो हमने ऋषि से और अपने घर वालों से ये तनुजा की सच्चाई छिपाई, बस। हाँ ना, इस बात का तो मुझे भी पछतावा है कि हमने घर वालों से सच्चाई छुपाई। तुमको पछताने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें जो उस वक्त सही लगा तुमने वो किया। तुम गुस्से में थी तो तुमने तनुजा को थप्पड़ मार दिया था, इट्स ओके, रिलैक्स। मंत्री जब मैंने पहली बार तनुजा को दी के चेहरे के साथ देखा तो पता नहीं मुझे क्या हो गया था, पर उस लड़की ने हम सबके दिलों के साथ खेला, हमारे प्यार के साथ इतना गंदा खेल खेला। सोच समझ के पूरी प्लानिंग के साथ उसने ये खेल खेला। वो तो अच्छा हो कि ऋषि ने बानी और नेहा की बातें सुन ली, वरना हमें तो कभी पता ही नहीं चलता। तुम्हें पता है जिस दिन मैंने तनुजा को देखा था ना, उस दिन से उसे देख के मुझे कुछ अजीब लगा। मैंने ऋषि से भी कहा था कि कोई तो बात है जो पकड़ में नहीं आ रही, उस लड़की की वजह क्या थी इस घर में आने की। लेकिन सबको ऐसा लगता था कि उसमें तनुदी की कोई बात है, पर मैं सही थी, वो तनुदी बनने की एक्टिंग कर रही थी। मैं सही थी, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि उसने इतने आगे तक ही सोच रखा है, इस हद तक सोच रखा है। पुराने जख्मों को कुरेदा है तनुजा ने, इसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। पीछी, पीछी, पीछी। देखिए गुस्सा मत करिए, और उस लड़की तनुजा के लिए अपना खून जलाने की कोई जरूरत नहीं है, इस लायक नहीं है वो। मैंने उसे कितना प्यार दिया, उसे घर लाने के लिए कहां कहां नहीं गई, किस किस से नहीं लड़ी, और अच्छा तमाचा मारा उसे मेरे मुंह पे, अच्छा फायदा उठाया इस बीजी का। बीजी आप इधर आइए, आराम से बीजी, अब प्लीज शांत हो जाइए, अब भूल जाइए समझा को, प्लीज। उसने मुझे धोखा दिया है, मेरी ममता के साथ खिलवाड़ किया है। चेहरे से कितनी मासूम कितनी भोली लगती थी, पर कितनी फरेबी निकली। आजकल तो चेहरे भी धोखा देने लगे, पता ही नहीं चलता कि कौन अपना है और कौन पराया, कौन चोर है और कौन साहूकार। जी, किसी के लिए रोने का मतलब ये है कि उस इंसान ने हमें रुला दिया है, मतलब हमको हरा दिया है। और जरा सोचिए, जब पानी और नेहा को ये पता चलेगा कि उन्होंने हमें रुला दिया है, मतलब आपको हरा दिया है, तो वो कितने खुश होंगे। क्या आप चाहती हैं सब? नहीं नहीं, तो बस उस तनुजा को अपने दिल और दिमाग पे हावी मत होने दीजिए। दीजिए अगर आप रोएंगे ना हम सब टूट जाएंगे। मैं नहीं रोऊंगी। तूने आज तक जो कुछ मेरे साथ किया।
तनु की यादों को मैंने अपनी अपनी खुशी अपनी हंसी अपनी जिंदगी बना ली। चूंकि तनु चाहती थी कि मैं हमेशा खुश रहूं, उसको रहूं जिंदगी को जीऊं, इसने अपने अपने रोने को भी अपनी हंसी बना ली। पर वो तनुजा तनुजा ने तुम्हारा चेहरा लेकर मुझे ही नहीं तुम्हें भी ठगा है तनु, तुम्हारी यादों को ठगा है। हाँ, मुझे उस तनुजा से इतनी नफरत है, लेकिन उसके चेहरे पे मुझे उसके उसके चेहरे में मुझे तुम्हारी मोहब्बत दिखती है। आंसू उसके होते हैं पर आंखें मुझे तुम्हारी दिखती है। हाँ तनु, आंखें तुम्हारी दिखती हैं मुझे। इतना बड़ा धोखा दिया है उसने मुझे, इतना बड़ा धोखा। चेहरा किसी और का रहा था, किसी और में क्यों, किसी और पे क्यों? तू तो माँ है, कुछ भी कर सकती है। तू ला ना मेरी तनु को वापस, मेरी तनु को वापस ले आ, मेरी तनु को वापस ले आ, मेरी तनु को वापस ले आ। नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। अब हंसती रहोगी, ये ब्रीफकेस ले जाओ, इसमें कपड़े भरो। मैं नहीं, मेरी तन जाने वाली है मम्मी, अब ना मैं इस घर में एक सेकंड भी नहीं रहना चाहती हूँ। मैं भी मेरी मर्द आ गई है, आई नहीं अभी तक। मैं कब से इंतजार कर रही थी तेरा, है कि नहीं? हम सबको लेने आई है ना। हाँ, बताइए क्या पापा, ये हमारे बिना ना एक सेकंड भी नहीं रह पाती है। क्या हुआ तनुजा, क्या बात हो गई, बताओ ना क्या बात हुई? क्यों किया ये सब? मैंने क्या किया? मेरे इस चेहरे को देखकर आपको हैरानी नहीं हुई? ठीक वैसे ही जैसे मुझे हुई थी जब मैंने पहली बार देखा था। और आप, आपको इस चेहरे को देख के कोई फर्क नहीं पड़ा? ये वही चेहरा है, तनु का चेहरा, जिसे देखकर कभी आपको बहुत फर्क पड़ता था। शायद आप इससे बहुत नफरत करते। क्या लगा था आप लोग को मेरा चेहरा बदल जाएगा तो आप लोग की किस्मत बदल जाएगी? एक बार ये नहीं सोचा कि मैं इस घर की बेटी हूँ? बस बस चुप कर, अब बातों को ना गोल गोल मत घुमा और चुपचाप मुझे बता कि इस घर में क्या हुआ। वैसा तो बिल्कुल नहीं हुआ जैसा जैसा आप लोगों ने सोचा था। ऋषि ने मेरा हाथ पकड़ के तो मतलब कर दिया उसने प्रपोज। धक्के मार के मुझे घर से निकाल दिया। जरूर तूने कोई कांड किया होगा, आखिर ऋषि ने तुझे धक्के मार के घर से क्यों निकाला? क्या तनुजा, आई मीन वो तनुजा? हाँ यार वही तनुजा, उसका चेहरा बदल गया, बिल्कुल तनु के जैसा हो गया। तनु कौन? जिससे भाई दुनिया में ना सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उसी का चेहरा छीन लिया उसने तनुजा ने, जिससे दुनिया में भाई सबसे ज्यादा नफरत करते। इसका मतलब शख्स तो कुछ बहुत ही ज्यादा बहुत ज्यादा गुस्से में होगा। इनफैक्ट वो गुस्से से ज्यादा हैरान है और बहुत परेशान है। ऋषि ने तनु की यादों के साथ समझौता कर लिया था, तनु की यादों के साथ जीना सीख लिया था। इतने सालों के बाद मेरे ऋषि की शरारतें वापस आई थी, उसकी बदमाशियां वापस आई थी। वो हंसने लगा था, मुस्कुराने लगा था, लोगों से बातचीत करने लगा था। मुझे डर है कि कहीं ऋषि फिर से खामोश ना हो जाए। फिर से गुमसुम होके अपनी दुनिया में ना चला जाए, मुस्कुराना बंद कर दे, लोगों से बातचीत करना बंद कर दे। मुझे डर है कि
उसमें वो कड़वाहट फिर से वापस ना आ जाए जो जो मैं 20 साल से देख रहा हूं। 20 सालों से मैं रातों को जागते जागते सोया हूं इसलिए कि मेरे बेटे ऋषि की आंखों में नींद नहीं है। पापा जी देखिए मैं समझता हूँ। जी देखिए वक्त ने हमें बहुत दर्द दिए पापा जी, लेकिन लेकिन वक्त के साथ वापस भी लिए। लेकिन हालात जैसे भी हो हम सब एक दूसरे के साथ थे, एक दूसरे की ताकत बने। मुझे लगता है कि हमें ऋषि को थोड़ा सा वक्त देना चाहिए, ये माता रानी सब ठीक कर देगी। नहीं 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 बिल्कुल नहीं, हमें ऋषि को कोई वक्त मुक्त कुछ नहीं देना चाहिए। आप लोग यही आपस में बातें करते रहोगे, फिर जाओ ना, जाओ जाके ऋषि को समझाओ। नहीं जाना। बिल्कुल सही कह रहा है युवराज, ऋषि को हमें वक्त देना चाहिए, उसे अकेला छोड़ देना चाहिए, वक्त सब कुछ ठीक कर देगा, सब ठीक हो जाएगा, हमें सब ठीक हो जाएगा। मैं अब तनु के ऊपर ना कभी भी गुस्सा नहीं होऊंगी, कभी भी बुराइयां नहीं करूंगी। तो तनु से बहुत प्यार करता है ना, तो खैर तो हमेशा उसे अपने दिल में रख। मैं कुछ भी नहीं कहूंगी, लेकिन अभी तो 3 महीनों से जैसे हंस खेल रहा था ना, प्लीज वैसे ही हंसता रहे। पता है ऋषि, जब तू हंसते है ना और तेरे गालों में गंडा पड़ता है ना, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है ना जी? आप समझ में आया कि आप लोग इतने शांत क्यों हैं? आप लोग कहीं डर है ना कि मैं फिर से वही वो जल्लाद, चलाने वाला, खड़ूस, गुस्सेल ऋषि ना बन जाऊं? आप लोगों को डर है कहीं? हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। 20 साल लगे पापी समझ में कि तनु ही गलती नहीं थी। हाँ, तनु तो मुझसे बहुत प्यार करती, तनु ने अपनी जान देके मुझे एक नई जिंदगी दी, उसकी मौत ने मुझे नई जिंदगी दी, तो मैं कैसे नई जिंदगी जीऊं? मुझे जीना है, मैं जीना चाहता हूँ। और सही कहा पापा जी आपने कि उसकी यादों में, उसके वादों में मैं जीना चाहता हूँ पापा जी। मैं जीऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं जीऊंगा, और कोई लड़की मेरे तनु के बीच में नहीं आ सकती। पर अगर आप ही गई ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ा था जब पहली बार मैंने तनु जाओ देखा, फर्क पड़ा। मन किया कि मुंह तोड़ दूं मैं। हाँ पापा जी, बहुत बहुत गुस्सा आया
कि उसकी इतनी हिम्मत की उसने तनु का चेहरा, मैं सोचा कि कोई भी लड़की तनु का चेहरा ले लेगी तो मैं मतलब क्या मुझे मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना। तनु का चेहरा ले लिया पर तनु का, तनु की आत्मा, तनु का वो प्यार, वो एहसास, वो दिल, वो कहां से लाएगी? वो तो नहीं ला सकती ना। तो बस तो मैं डिसाइड किया कि बस अब मैं कुछ भी हो जाए, तनु जाए, कोई भी लड़की मेरे आसपास हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है किसी के लिए। पापा जी मैं ऋषि सिंह बेदी का दिल जो है तनु के धड़कता था, धड़कता है और हमेशा धड़कता रहेगा। मैं क्यों रोऊं? मैं खुश रहना चाहता हूं। तनु मुझे जिंदगी दी, मैं खुश रहना चाहता हूं, अपने परिवार के लिए खुश रहना चाहता हूं। मेरा परिवार जिसने मुझे सर आंखों पे रखा है, आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, तो मैं क्यों रोऊं? मतलब यू राइट, राइट, मेक सेंस, राइट? तनुजा, तुमने कौन सा ऐसा कांड किया कि ऋषि ने तुम्हें धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया? बता। ओ अच्छा, तो मतलब उन लोगों ने तुझे घर से धक्का मार के बाहर निकाल दिया, तो तू यहां आके हमें धक्का दे रही है कि हमने तेरे चेहरे के साथ ये सब किया है? मुझे ऋषि ने सब कुछ बता दिया। मत कीजिए। हाँ छोड़ उसका, छोड़ो। हाँ क्यों, क्यों? ये लड़की हम पे इल्जाम लगा रही है। हाँ, इस लड़की ने जिस थाली पे खाया उसी पे छेद करी है, और आप लोग चाहते हैं मैं उस छेद से इसकी शक्ल देखूं? जूती मेरी। हाँ, तू इस घर की लड़की है ना, तू इस घर की लड़की है ना। हाँ, तुझे तो हमारे लिए ढाल बनकर खड़ा होना चाहिए था। तू तो हमें भी तलवार चला रही है। पता नहीं तूने वहाँ पे ऐसा क्या कांड किया जो ऋषि ने तुझे धक्के मार के घर से निकाला। वो मेरा चेहरा तनु। आग लगे तेरे इस चेहरे को। ये वही चेहरा है जिसका ना, जिसका एक टाइम पे ऋषि दीवाना हुआ करता था। ये वही चेहरा है जिसने ना, जो मुझे मंडप पे ले डूबा था, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। और मम्मी मैं आपको एक बात बता रही हूँ, इस चेहरे के साथ जिसका चेहरा मेरी सौतन से मिलता है ना, मैं एक छत के नीचे तो कभी नहीं रहूंगी। याद रखना आप लोग। प्लीज मुझे कहीं मत निकालिए। मेरा दुनिया में आप लोग के सिवा कोई नहीं है, कहाँ जाऊंगी मैं? दुनिया ना बहुत बड़ी है और हमने तेरा कोई ठेका नहीं ले रखा यहाँ पे, और तेरे जैसी शक्ल की लड़की के साथ ना मैं एक छत के नीचे कभी नहीं रहने वाली। चल निकल, निकल यहाँ से। प्लीज ऐसा मत कीजिए, आप लोग के अलावा मेरे इस दुनिया में है ही कौन? तो ये समझ ले कि हम लोग भी तेले मर गए हैं। और भूल से भी अगर तूने मेरे घर की तरफ मुड़ के देखा ना, याद रखना। प्लीज दरवाजा खोल दीजिए, प्लीज प्लीज मुझे अंदर आने दीजिए, प्लीज मेरी बात तो सुनिए, प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। आप लोग के अलावा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी? प्लीज प्लीज दरवाजा खोल दीजिए, प्लीज। चुप कर, चिल्ला मत मेरे घर के बाहर, नहीं तो बाहर आके तेरा हाथ पकड़ के बीच चौराहे में छोड़ दूंगे। या पे किसी की हिम्मत दिया कि मेरी मेरी सौतन के लिए आके दरवाजा खोले? चुप कर, यहाँ से निकल जा। मैं आपकी तनु जाऊं? तनु नहीं हूँ, प्लीज मुझे अंदर आने दीजिए, कहाँ जाऊंगी मैं? खोलिए ना दरवाजा प्लीज। और तुम दोनों खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? हाँ, तो चुपचाप जाके मेरे गरम गरम चाय बना, और तू जाके बैग से सारा सामान निकालो, जाके हैंगर में टांग। चक्स के बच्चे। हाँ, हाँ। मैं तो ऐसा रोज बॉक्सिंग करूंगा, तुझे अपर कट मारूंगा, फिर तू बोलेगा चक्स यार मेरा फेस खराब कर दिया, गर्लफ्रेंड क्या बोलेगी? मुझे मजा आएगा। एग्जैक्टली। और आप दोनों, हाँ आप दोनों जब झगड़ते थे तो क्यूट लगते थे, अब आप लोग बस बोरिंग हो गए यार। पंजाबी भी पंजाबी एनर्जी लाओ यार, मौत है हंसे जा रहे हो चाइनीज डॉल की तरह। आपको ना मैं देखो छोड़ूंगा नहीं, मैंने आपको बहुत डांटूंगा। आप ना आप बिल्कुल बात नहीं सुनती, 5 साल की बच्ची हो गई है बीजी, आपको अपने सेहत का ख्याल रखना, आप जानती है ना। फिर कब डांटेगा? ये देख, ये मैंने नीचे गिरा दिया, अब डांट मुझे, डांट डांट, जल्दी बहुत डांटूंगा। Thank God, मुझे तो लगा आप वो पुराने वाले जल्लाद जल्लाद भाई बन जाओगे और मुझे ना अपनी भाईगिरी दिखाओगे। भाईगिरी तो मैं अभी भी दिखाऊंगा। हाँ, तूने सिखाई थी वो मुंबई की भाषा, मारूंगा सर पे, हगे घर पे, वाट लगा दूंगा, बात जा दूंगा। अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये जो आप बात बोल रहे थे, आप दिल से बोल रहे थे कि बस बोलने के लिए बोल रहे थे? मतलब मतलब दिल से बोल रहे थे या बोलने के लिए? मैं हर चीज दिल से कहता हूं। कुशा, तो बहुत अच्छी बात है, आपको साबित करना पड़ेगा कि आप मेरे खड़ूस चक्स नहीं बल्कि हमारे प्यारे स्वीट से डार्लिंग ऋषि सिंह बेदी। ये बात? यस। तो मैं ठीक है, बताओ मुझे कैसे साबित करो कि मैं तुम लोगों का प्रिय ऋषि सिंह बेदी हूँ? बताओ कैसे कैसे साबित करो? मैं बताता हूँ, तू बदल ना। अरे कपड़े बदल, और क्या बदल? कुछ भी बदलने से ऋषि सिंह। अरे चल मैं बताता हूँ, अरे मैं बताता हूँ तुझे कपड़े बदल। क्या हुआ? एक कमेंट, ये बता क्या खा रहे हो तुम लोग? क्या है ना कि पास में एक नया लॉन्च खुला है, वहीं जा रहे हैं सब। एक्चुअली क्या है ना कि वहाँ पे ना बहुत खूबसूरत प्यारी प्यारी आएंगी ना, आई मीन लड़कियाँ। क्या ना कि अब भाई के अंदर सारी पुरानी वाली क्वालिटीज तो वापस आ गई, एक को छोड़। वही पूछो क्या? वो कौन है? वो बाद में पूछूंगा,
तो बाप के सामने ऐसी गंदी गंदी बातें कर रहे। गंदी बात क्या, अच्छी बात है। देखो ना भाई, लर्ट लर्ट करेंगे तभी तो पुराने वाले किशन कन्हैया बन जाएंगे ना, है ना? यार ये बात तो ठीक है। ओए लेकिन एक बात बता, तुझे कैसे पता है कि युवराज और नकुल की यही प्लानिंग है? अब मैंने जो ट्रेन किया है, आई मीन देखो गुरु को पता ही होता है ना कि उसका चेला क्या बोल रहा है। नेहा, मैं नहीं जानती थी कि बरसों पुराना ऋषि को छोड़ने का दर्द आज भी तुम्हारे दिल में आग बनकर जल रहा है। पानी, तेरी बेटी है, पर तू इसे आज तक समझ नहीं सकी। मैं अच्छी तरीके से समझ गई थी। मुझे लगता था कि तनुजा, मतलब तनु का चेहरा देखकर इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे पैसे के लिए तो लोग दुश्मन को भी दोस्त बना लेते हैं, और फिर ये तो सिर्फ सौतन थी। मैं नहीं जानती थी कि तनु का चेहरा देखकर तुम्हें इतना बड़ा सदमा लगेगा कि तुम रात को, मतलब आधी रात को उसको घर से बाहर निकाल दोगी। ओ हेलो मम्मी, सदमे को लगूं मैं? मुझे क्यों सदमा लगेगा? और वैसे भी मैं टिप-टू बॉटम ना एकदम फाइन हूं। तो फिर तूने उसे बाहर क्यों निकाला? ऋषि ने क्या किया उसके साथ? उसने भी उसको धक्के मार के बाहर निकाला है ना। सोचने वाली बात है पापा। पापा, हमने जैसे सोचा था ना वैसा हुआ नहीं। हमने क्या सोचा था? किस भेंजे को ना वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बनाएंगे, पर नहीं, ये तो डंडे खाकर आ गई वहाँ से। पापा जी, मार्केट में जब एक बार भाव गिरता है ना तो उसकी वैल्यू ना जीरो हो जाती है, और इस लड़की की वैल्यू भी ना भी जीरो है। तो फ्री फंड में मैं अपने घर पे खाना क्यों खिलाऊं? हाँ अपने भाइयों के साथ आया हूँ, और मैं उनके पास, मतलब उनके बहुत पास हूँ, और मैं एक लड़का हूँ, एक शरीफ लड़का हूँ। तो come on, Jacks, prove it. Prove it? Yeah. What do you mean? He's not लड़का or what? नहीं, वैसी बात नहीं है चाचू। Prove it. Actually, a song भी मैंने compose किया, so. Thank you so much. हाँ, इन्होंने भी थोड़ा बहुत काम किया। Okay, shut up.
तुम अच्छी लड़की हो, बहुत अच्छी लड़की, और कोई किस्मत हो तुमसे प्यार करेगा, पर I'm sorry, मैं तुम्हारे शामिल नहीं हूँ। It's okay यार, इस रात के लिए सही, हम दोस्त तो बन ही सकते हैं ना। और एक बात बोलूँ, मैंने बहुत लड़के देखे हैं, लेकिन तुम जैसा लड़का मैंने नहीं देखा। आई रियली लाइक यू। थैंक यू फॉर ऑल द काइंड वर्ड्स, पर आई एम सॉरी। इट्स ओके, शैल वी डांस? आजकल लड़कियां भी रात में अकेले में गार्डन में बैठती है। ए हीरोइन चल रही है क्या? आजा। ए अबे नहीं नहीं कोई नहीं जाएगी, कोई बात नहीं, चल 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 निकल, कोई बात नहीं, आराम चला। हमसे क्यों भाग रही है? आजा ऐश करते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा क्या होता है। प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए। इसे किससे जाने दें? हैं? प्लीज मुझे मुझे जाने दीजिए। देखिए प्लीज, तेरा भी प्लीज, मेरा भी प्लीज, चल प्लीज प्लीज चलते हैं। तेरे लिए स्पेशल गाड़ी लेकर आया जाने मन। ला आते। अरे अपन इसको बोलो ना तो भी जाने।
पुलिस आ गई है, चल छोड़ो छोड़ निकल दे, बातें दे रही है इनको, तुझे मैं देख लूंगा बुढ़िया, चल बड़ा बड़ा बड़ा। थैंक यू थैंक यू। तू 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 एक रात को यहाँ क्या कर रही है? हाँ चल आ, आ मेरे साथ आ, आज आज आज। अरे वाह पुत्र जी, तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया। हाँ चल मिलते हैं। हाँ ओके बाय 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 बाय। देने से पहले ही कट गया। क्या है यार, मैं तुझसे बात करना चाह रही थी। क्या बोल रही है? पता है वो कल सुबह घर आ रही है। मतलब कि मॉम की कल सुबह सुबह ही लॉटरी लगने वाली है ना मॉम? क्यों, हमें गुड मॉर्निंग से गुड गोइंग होने वाला है, गेम शुरू होने वाला है, मलाइका आने वाली है ना? क्यों भाई? अच्छा सॉरी, इसी बहाने ना मॉम को ना भाई की मैचिंग करने का चांस मिल जाएगा, है ना मॉम? चुप रहो खोते, खोते मम्मा का मजाक उड़ाता है, चल जल्दी से हम तो लगती है, समझाओ इसको कुछ। देख युवराज, तू तो समझदार है ना, इसको आदमी बना। अरे आदमी मॉम, मैं आदमी तो हूँ और क्या हूँ? खोता है, खोता है, खोता। पता नहीं कहाँ की बात कहाँ पर ले जाता है। एक नंबर है खोता है। यार एक बात बता, अब यार तू अंधेरी की लोकल को विरार में आके क्यों खड़ी कर रहा है? अबे जहाँ की पटरी है वहाँ भी गाड़ी चलाना, क्या कर रहा है यार? समझ, मतलब अंधेरी की लोकल आने वाली है, आई मीन अंधेरे में उजाला होने वाला है। ये चक्कर क्या है मनप्रीत, आज कुछ गड़बड़ करके आया है? नहीं, ये खोता बदमाश जब कुछ गड़बड़ करता है ना, तभी इतना खुश होता है, तभी इतना हंसता है। बड़ी माँ के हस्बैंड, आप मुझे एक चीज बताएं, आप चाचू पे इतना शक क्यों करते हो? उसकी बताओ ना, नाम क्या है इसका? मनप्रीत। इसका मन ना हर प्रीत के पीछे भागता है। और एक ये ऋषि, इसके सामने अगर मेनका को भी खड़ी कर दो ना, तो ये उसको भी नहीं छुएगा। लेकिन ये कि हर लड़की को जबरदस्ती छू के निकलता है, पता नहीं किस पे गया है बदमाश। आप पे गया हूं। और रहने दे, मैं तेरे जैसा नहीं हूँ, छोड़ परे। और तू शुक्र कर, तेरी किस्मत अच्छी है कि तुझे आहाना जैसी लड़की मिली, वरना कुंवारा ही रह जाता। अरे ये भाई, हमारे बाप ना बिल्कुल एक नंबर के जल्लाद नहीं हो गए, जितने जल्लाद पहले थे और ज्यादा हो गए। अरे यार देखो यार, मेरे कैरेक्टर पे, मतलब मेरे चरित्र पे उंगली उठा रहे हैं। प्लीज इनको डांटो ना, आगे दिखा दो, ये जिससे ना नेक्स्ट टाइम कभी मुझे डांट ना सके। ओल्ड मैन तो नहीं, ओल्ड मैन, हां ओल्ड मैन। पापा जी ये कुछ ज्यादा नहीं कह रहा अभी? हां इसको लगता दो हाथ लगा ही दो आप। ओल्ड मैन, ऋषि सही बोल रहा है यार। अच्छा सही बोल रहा है, मेरे ख्याल से ये सही बोल रहा है। ओल्ड मैन, ओल्ड मैन, ओल्ड मैन। अबे मैं तेरा गुरु हूँ यार, कितनी टिप्स है लड़कियों के लिए। बच गया गुरु, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे घर में खुशियाँ वापस लौट आई है। हाँ अरे मतलब क्या है, कल वो आने वाली है। कौन? मलाइका। ऋषि। हाँ जी पुत्र, तेरी तो हो गई बल्ले बल्ले। वो यार, वो 6 साल पहले मलाइका हमारे घर में आई थी ना, तो मम्मी ने ऋषि की कैची क्लासेस ली। अब पुत्र तू तो चालू हो जा, कल से तेरी क्लासेस शुरू। तुझे दिन में कम से कम 50 बार सुनना पड़ेगा, मलाइका बड़ी अच्छी लड़की है। मलाइका से शादी करो। तो उसमें बुराई क्या है? मलाइका अच्छी लड़की है, वो बहुत ही सुशील है। पर पता है ऋषि, अब तो बड़ा वो इटालियन फूड भी बनाना शुरू कर दिया। कोई कमी भी नहीं है। हाँ, कोई कमी भी नहीं है। आपको जब सवालों के जवाब पता है तो आप पूछते क्यों? अच्छा कोई नहीं, आपको जो पहले करते थे वो करते रहो ना। मैं इस बार चिल्लाऊंगा नहीं, बल्कि इस बार मैं इस मैच मेकिंग गेम के मजे लूंगा। तो इसी बहाने मॉम थोड़ी बिजी हो जाएंगे। एग्जैक्टली, मॉम को खातिरदारी करना बहुत पसंद, और मलाइका को खातिरदारी करना पसंद है, खास करके मॉम से, है ना? तो बस मॉम खातिरदारी करना, बस मेरी मन करना। ओके, मुझे पता है एक ना एक दिन तू जरूर मान जाएगा। नाउ गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट, कल बहुत सारी करनी है, बाय, लव यू टू। नकुल एक बात बता, आज मनप्रीत ने लाउंज में कुछ गड़बड़ की है क्या? वो दादू बड़ी कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। हेलो
Hello? Yeah, hi, Riya. How are you, sweetie? Actually, it was so good meeting you yesterday. बहुत अच्छा लगा. हाँ, मौसम बहुत अच्छा है. कल मिलता ना पक्का. Kiss? Kiss देता हूँ. ओए, इस वाली मिस, मैं खोते का बाप बोल रहा हूँ. अब बोल, क्या बोलती है? Hello? तुम बोलती बंद हो गई? Hello? Hello? हेलो कोई नहीं यार. अल्लू बनाया बड़ा मजा आया. अल्लू बनाया बड़ा मजा आया. अल्लू बनाया बड़ा मजा आया. मेरे इस हंसते खेलते घर को किसी की नजर न लगे. सारे कितने खुश हैं. और कल एक और खुशी आने वाली है. मलाइका आने वाली है. वाह वाह, आखिर तूने चमत्कार कर दिया. 20 साल बाद ऋषि के तनु लौट आई है माँ. अपने उसी कसम को पूरी करने तनु फिर से लौट आई है माँ. तनु? इसका मतलब आप ही मुझे तनु समझ रही हैं? तनुजा हूँ मैं. वो सिर्फ एक हादसा था. कैसा हादसा? जिसमें मैं पूरी तरह से जल गई. फिर पता नहीं किसकी गलती की वजह से ये तनु का चेहरा मुझे मिला. सर्जरी गलत हुई. सब गलत हो गया. नहीं, कुछ गलत नहीं हुआ. अरे गलत तो अब सही हो रहा है. तू सही को गलत करने जा रही थी पर माँ काली ने सब गलत को अब सही कर दिया. चल मुझे ऋषि को आग से बचाते हुए तेरे साथ ये सब कुछ हुआ है ना? बोल. आग? ये सब आपको कैसे बता? मैंने तो किसी को नहीं बताया. बताने का क्या? तेरी कुंडली में बचपन में ही लिखा होगा. तेरी जन्म घड़ी में लिखा होगा. तेरी कुंडली में शुभ योग है. तेरे ग्रह नक्षत्रों में शुभ योग है. मारक दोष को काटने वाला शुभ योग. तेरी कुंडली, तेरी किस्मत, तेरी होकर भी तेरी नहीं, किसी और से जुड़ी. तेरी कुंडली में लिखा कि जब जब ऋषि पे कोई मुसीबत आएगी तू उसकी ढाल बनकर उसके सामने आएगी. तू उसे बचाएगी. तू उसकी चोट खाएगी. यही हुआ उस जन्म में. यही होगा अब इस जन्म में. और यही होता रहेगा हर जन्म में.